आज मैं कब से तुमसे ये कहना चाहता हूँ। रागिनी, 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 वाओ, जो बोलने आया था उसके लिए इससे बेटर जगह और इससे अप्रोप्रिएट मूवी नहीं हो सकता था। ऐसा क्या बोलना है? नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा। अगर जानना चाहती हो तो ये लो, ऑफिस के बाद यहाँ चले आना। और किसी को बताना नहीं। Let's see you. प्लीज, नील, ये सब तुमने मेरे लिए? नहीं, वो मेरे पड़ोसी का बर्थडे है उसके लिए। राखी नहीं, किस तरह का सवाल है? ऑब्वियसली अपने लिए, हमारे लिए, हम दोनों के लिए। देखो, हम अपना एंगेजमेंट तो प्रॉपरली सेलिब्रेट कर पाए नहीं, तो मुझे लगा क्यों ना हम कोई अच्छी सी जगह पे डिनर पे चले। स्वीट, इट्स ब्यूटीफुल। व्हाट्स रॉन्ग रागिनी, तुम खुश नहीं लग रही हो? तुम हमारी हमारे एंगेजमेंट से खुश तो हो ना रागिनी? ऑफ कोर्स नील, ये कोई पूछने वाली बात है? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियसली ले रही हो? ओके, लेट मी ट्राई एंड मेक यू स्माइल अगेन। ओके, थैंक यू। हेलो, अब इसे ध्यान से एग्जैक्टली बीच में काटना है, ध्यान से। गो अहेड। इट्स ऑल वेरी अनलाइक यू नील। या आई नो, बट आई एम फुल ऑफ सरप्राइजेस। प्लीज। ये तो मैजिक है। What's that? Looks like ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अगर गिफ्ट में एक चाबी है तो आई एम श्योर गिफ्ट कुछ ऐसा होगा जो यहां नहीं आ सकता है। What is it? घर है।
बहुत सुंदर, आई मीन मुझे बहुत सुंदर लगा। इनकुलाबा ओवरलुकिंग द सी। नील, इस सब की क्या, इन सब की क्या जरूरत थी यार? कितना घिसा पिटा सवाल है रागिनी। जरूरत थी, याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि यू हैव ग्रोन अप इन कोलाबा एंड तुम वो दिन बहुत मिस करती हो, तो मुझे लगा क्यों ना हम अपने लिए एक प्यारा सा घर ले लें वहीं पे कोलाबा में, शादी के बाद वहीं रहेंगे। व्हाट्स इट, आई डोंट नो मैं क्या बोलूं। यू डोंट हैव टू से एनीथिंग रागिनी, आई वुड डू दिस फॉर यू एनी डे, एनीथिंग फॉर यू, आई जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। It's really sweet, Neil. I just hope you like it, Ragini. That's all that matters. Nothing else. Come on, sir. Cheer up now. इस तरह उदास मत रहिए, please. I'm sure Ragini दी साहब के बाद जल्दी हो जाएगी. And everything will be perfect. Believe me. You think so? मैं आपको बताना ही भूल गई. You know what? मुझे डॉक्टर ने बताया कि आरव अब खुद से उठकर बैठ जाता है. And he's getting better. In fact, डॉक्टर ने ये भी कहा कुछ दिनों में वो बातचीत भी करने लगेगा. I mean, like really. I can't believe this, sir. सब कुछ ठीक हो जाएगा. आरव भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा. है ना कमाल की न्यूज? नील, आर यू श्योर तुम ये वेज खाने वाले हो आज सब? व्हाई नॉट रागिनी, तुम मेरे लिए इतना कुछ एडजस्ट कर सकती हो तो मैं क्या इतना नहीं कर सकता? व्हाट्स द बिग डील? यू नो रागिनी, जब मेरी रिया से एंगेजमेंट हुई थी ना तो मैंने अपने आप को उसके लिए बहुत बदल लिया था, यहां तक कि जब वो रिलेशनशिप खत्म हुआ तो मैं इतना बदल गया था कि मैं अपने आप को नहीं पहचान पाता था। अरे मैं भी कितना बेवकूफ हूं, अपने बारे में बकबक किए जा रहा हूं। तुम अपने बारे में बताओ ना कुछ, टेल मी समथिंग अबाउट यू। तुम्हारी भी तो शादी हो चुकी थी, टेल मी अबाउट दैट, कभी बताया नहीं तुमने। अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताओ कुछ। आई एम सॉरी रागिनी, शायद ये टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए था मुझे। लेट्स टॉक अबाउट द फूड। ये देखो मुझे तो कुछ पता नहीं गुजराती खाने के बारे में, ये व्हाट इज दिस कॉल्ड? My God, that sounds like a warrior. Khandvi, jao! Iska sar kalam karke lao. Shut up, Neel. तुम्हारी वजह से तीन जिंदगियां बर्बाद हो रही है रोशनी, मेरी, नील की और तुम्हारी। ये मैं क्या कर रही हूं और मैं क्या करने जा रही हूं? नील इतना अच्छा इंसान है, वो एक बार चोट खा चुका है, मैं क्यों कर रही हूं उसके साथ ये? और दूसरी तरफ सिद्धार्थ, जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है, क्या करूं मैं? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्यों? वो देखिए, आपका मूड ठीक करने का परफेक्ट तरीका। मैं कोई बच्चा नहीं हूं आनिया। प्लीज सर, अब कोई बहाना नहीं, चलिए कम। थैंक यू सर। भैया दो प्लेट पानी पूरी। थैंक यू। Thank you so much. Wow,
इट्स अमेजिंग है ना? कमाल का आइडिया था ना सर, बहुत टेस्टी है। बहुत बढ़िया है। देखा था ना मैंने, सुपर्ब आइडिया और आपके मूड को ठीक करने का भी बेस्ट आइडिया। सो ये क्लास मेरी तरफ से। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तू मुझे यहाँ लेके आई है। लास्ट इतना परेशान है सिरसा और रागिनी दी को कोई कदर ही नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं वो कितनी लकी हैं। सिरसा उनकी लाइफ में है जो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो मुझे तुम से कुछ कहना है। वो मैं इतना कुछ कह गया तुम्हें और फिर कुछ और कहने का वक्त नहीं मिला। मैं काफी दिनों से तुमसे बात करना चाहता था। There's so much to tell you। बहुत बातें करनी है मुझे तुमसे। देखो रोशनी, जमाई बाबू, रागिनी, तुम दोनों साथ साथ, खूब भालो खूब भालो, आशो आशो। ओ रागिनी तुम आ गई। आन्या चलो लेट्स गो। अरे सब गड़बड़ हो गया, जी हाँ, इस बात का खुलासा हो चुका है। वैसे सोचने वाली बात ये है कि ऐसी सीईओ को इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कैसे मिली। सीधी सी बात है, मालिक को पटाओ तो सब आपका, और इस सीईओ ने भी कुछ ऐसे ही किया। मॉब कंपनी के ओनर मिस्टर सेन गुप्ता के साथ मिस रागिनी देसाई की एंगेजमेंट हो चुकी थी और कुर्सी के पाने की लालच में मिस रागिनी देसाई ने मिस्टर सेन गुप्ता के साथ नजदीकियां बढ़ाई और वो सीईओ बन गई। वरना एक ड्रग एडिक्ट यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है बिना पकड़ में आए। और हम आपको एक और बात बता दें कि मिस रागिनी देसाई को ऑफिस में ड्रग्स के नशे में देखा गया था और ये इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी के शेयर होल्डर्स और जाने माने इंडस्ट्रीज खुराना इंडस्ट्रीज के थ्रू पहुंचाया गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? ये आप लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? अरे यार, ये काम मैंने नहीं किया है। आई डोंट नो व्हाट। नील, आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट्स गोइंग। हाउ डेयर यू, इतना नीचे गिर सकते हो तुम? सरे आम तुम्हारी कंपनी का नाम लिया जा रहा है और तुम अभी भी बेशर्मों की तरह मना कर रहे हो।
लिसन मिस्टर खुराना, तुमको मुझसे प्रॉब्लम है, मुझसे डील करो। मेरी फैमिली को बीच में खसीटने की कोशिश मत करो। नील तुम कुछ भी बोलो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? अंदाजा रागिनी? रागिनी सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, क्लियरली बोल रहे हैं टीवी पर। तुम्हें क्या सबूत चाहिए? ये काम सिड के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। लिसन नील, सिद्धार्थ ये काम नहीं कर सकता। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो मुझे हार्म करेगा। क्यों नहीं करेगा रागिन? क्यों नहीं करेगा? शुरू से लेकर अब तक ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हर कदम पर, घर में, ऑफिस में, हर जगह हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तुम्हें क्यों लगता है ये ऐसा नहीं करेगा? Because I know it. I just know it. Stop being nice to him, Ragini. ये तुम्हारी अच्छाई deserve नहीं करता है। Just try to understand, हम क्या जानते हैं इसके बारे में? वो तो मेरी बहन पता नहीं इसे कहां से ढूंढ कर लाई है और हमारे घर पे लाकर रख दिया है। मैं बस इतना जानती हूँ कि सिद्धार्थ ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मेरा नाम खराब हो। रागिनी, तुम्हें कैसे पता कि जामाई बाबू ऐसा कुछ नहीं करेंगे? तुम दोनों पहले से ही दोस्त थे क्या? हैं? बोलो ना श्रुति कथा की। मामी शायद आपको इंसान की परख ना, पर मैं इतना समझती हूँ कि कौन सही और कौन गलत। और मैं ये भी समझती हूँ कि सिद्धार्थ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके आगे मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। शोना प्लीज शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। सिद भी अब इस फैमिली का हिस्सा है, वो ऐसा क्यों करेगा बेटा? उसका नाम भी तो जुड़ा है ना हम सबसे। सच क्या है और किसका नाम किससे जुड़ा है तो साफ दिख रहा है। बाकी का सच भी जल्द पता चल जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ थोड़ा। तुम्हारे दादा का हाथ बहुत भारी है। अरे तुमने देखा क्या? रोशनी ने आज तुम्हारे दादा के सामने मुझे सपोर्ट किया, मुझे डिफेंड किया। ओह गॉड। I'm sorry, Anya, तुम्हें आंटी बुला रही है। मैं भी आती हूँ।
सिद्धार्थ, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहते। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ।